तमाम चैरिटी अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया जिसमें शुरका ने पाकिस्तानी नादार और गरीब बच्चों की इमदाद के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। देखते हैं शकील सलाम की रिपोर्ट। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल वेमेंस लीग यूके ने ब्लैकबर्न में चैरिटी अफ्तार डिनर का अहतमाम किया जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। पुरवकार तकरीब की मेहमान खसूसी मोहतरमा नसरीन अख्तर और पार्लिमानी उम्मीदवार कैट होलन थी। तकरीब में नातख्वां हजरात ने खूबसूरत अंदाज में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया। नन्हे नातख्वां भी गुलहाय अकीदत पेश करते रहे। इस मौके पर पाकिस्तान के गरीब और यतीम बच्चों के लिए अतियात जमा किए गए। साफ पानी के लिए हैंडपंप और आगोश प्रोजेक्ट के तहत यतीम बच्चों की कफालत के लिए लोगों की बड़ी तादाद ने तावन किया। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने इवेंट के हवाले से इजहार ख्याल किया। ये बड़ी एजाज की बात है गरीबों के लिए, ये फंड जमा कर रहे हैं। जो इवेंट था वो बहुत अच्छा गया। ये हमारी सबसे पहली मिनहाजुल कुरान विमेंस लीग की तरफ से था। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं लेकिन इन इफ्तार डिनर में हम दो प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, एक आगोश के यतीम बच्चे और दूसरा पीने का साफ पानी। Today's event, alhamdulillah, went amazing. The response that we got from elders, youngsters and even every single person that came, all because of Minhaj Welfare Foundation. तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खवातीन और मिनहाजुल कुरान खवातीन विंग की कारकुनों ने भरपूर शिरकत की।